से जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके बारे में आपको कोई नॉलेज हो कि क्या तो इसका प्रतिष्ठा पुरस्कार है या क्या एंट्री फीस है, इसके बारे में आप बताना चाहते हैं। इसका जो फर्स्ट प्राइस है, पहला इनाम है जो वह फार्म ट्रक 60 लीटर, इसके उसके साथ में 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार। तो इसके अंदर बताया जा रहा है 11 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। बहुत सारे बड़े नेता आएंगे जैसे नगर विधानसभा का पूर्व MLA इमरान खान और निर्दलीय जो कामा विधानसभा से लड़े CM मुख्तार, वो सभी मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे। तो भाई लोगों, हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि 11 तारीख को सीकरी में टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसका उद्घाटन के लिए नगर विधानसभा के पूर्व MLA वाजिब अली और तिजारा विधानसभा के इमरान खान उद्घाटन के लिए आ रहे हैं और निर्दलीय जो कामा विधानसभा से लड़े CM मुख्तार, वो सभी मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ दोस्तों हम वही मैदान में आ चुके हैं जो कि सीकरी से बेलर रोड की तरफ जा रहा है, उसी के बगल में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर टूर्नामेंट की अभी से तैयारी हो चुकी है जबकि हम वहाँ पर एक दिन पहले आ गए हैं। जहाँ दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, अभी तैयारी चल रही है। क्रिकेट टूर्नामेंट की एंट्री है जो कि हर टीम के द्वारा 21,000 भरने होंगे। और आप लोगों को बता दें इसकी इनाम क्या क्या है। इसका जो फर्स्ट प्राइस है, पहला इनाम है जो वह फार्म ट्रक 60 ट्रैक्टर, इसके उसके साथ में 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार। और जो दूसरा इनाम रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल है जिसको हम यहाँ बुलेट बोलते हैं, साथ में 51,000 रुपये का इनाम है उसके साथ में है। 21,000 रुपये मैन ऑफ द सीरीज के लिए है और जो एंट्री फीस है, एंट्री फीस 21,000 रुपये रखी गई है। और कुछ अभी तो सेटअप भी हो रहा है जैसे कि आप सभी उधर देख रहे हैं, सेटअप हो रहा है जो कि मेरे हिसाब से स्टेज बनाया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, आप सभी दिखा दो अगल बगल का। कल यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक वाजिब अली जी नगर विधानसभा से, इमरान खान जी कांग्रेस प्रत्याशी तिजारा से, मुख्तियार अहमद जी कामा से निर्दलीय उम्मीदवार रहे थे। और मैं सभी आने वाले आगंतुकों के लिए एक बात अर्ज करूँगा कि हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है और अफसोस ये है कि सर्द हवाओं से लगा रखी है। ना जाने किस गली से आ जाएं हमारे चाहने वाले, हमने हर गली फूलों से सजा रखी है। जनाब, क्रिकेट के बारे में आप कितना समझते हैं और क्रिकेट खेल से हमें क्या फ़ायदे हैं? यानी इस खेल से एक तो मेरी जो मानना है, मेरा जो मेन मकसद है जो मैं कहना चाहता हूँ, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिससे इंसान के शरीर की जो वर्जिश है, शरीर की जो फिटनेस है, वो अच्छी रहती है। और आप क्या कहना चाहते हो क्रिकेट के बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में? तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिस पर हम अपना भविष्य बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये क्रिकेट का ही महान नेता है और इसमें हम अपनी सेहत को भी एक फिट रख सकते हैं। आप सभी देख सकते हैं खिलाड़ी जो फील्डिंग करता है, हर तरह दौड़ता है, हर तरह गिरता है। इस क्रिकेट खेल की एक मेन मकसद ये भी है, अपना भविष्य बना लेंगे और एक फेस वैल्यू बन जाए। सचिन तेंदुलकर को लोग देख कर बहुत सारे क्रिकेटर बन चुके हैं और यहाँ पर ही भी छोटे छोटे गाँव के अंदर कुछ इस तरह के खेल खिलाए जाते हैं जिससे वो आगे पहुंच सके। बताना चाहते हो? तो इसके अंदर बताया जा रहा है 11 तारीख को इसको उद्घाटन होगा, यानी कल। कल उद्घाटन के टाइम पर बहुत सारे बड़े नेता आएंगे जैसे नगर विधानसभा का पूर्व MLA जो फिलहाल टाइम पर हार चुका है, वो पिछले सीजन के MLA रह चुके हैं। और आप सभी को पता है तिजारा विधानसभा के भी MLA आ रहे हैं जो कि वो पूर्व रह चुके हैं, इमरान खान, और निर्दलीय जो कामा विधानसभा से लड़े CM मुख्तार, वो सभी मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों, इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर टोटल 64 टीमें खेलेंगी और कल इसका उद्घाटन है, फिर आपको वही मिलेंगे।